नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक बड़े पावन तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ जिसका नाम है मणिमहेश कैलाश। तो सोचा क्यों ना शुरुआत यहाँ से की जाए। ये है भगवान श्री वासुकी नाग जी मंदिर बासक डेरा नगर भद्रवाह का। तो ये है हमारे राजा, हमारे इष्ट, हमारे भगवान श्री वासुकी नाग जी, श्री बासुदेव स्वामी। तो बस इनसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि मणिमहेश जा रहा हूं तो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और जिस सुख के साथ जा रहे हैं उससे दुगना सुख वहां से लेके आए, भक्ति लेके आए। बस यही आशीर्वाद लेने आया हूं भगवान वासुकी नाग वासुदेव स्वामी जी से। अभी हम पदरी रोड पे पहुंचे हैं आधे घंटे के सफ़र के बाद, और ऊपर पदरी जाके जहाँ जहाँ पे पड़ाव होंगे वहाँ वहाँ पे मैं आपको हर जगह से रूबरू करवाऊँगा। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, ये हमारा भद्रवाह। तो मेरे साथ हैं ढोटू चाचा और मासी और एक इनका पोता। हम जा रहे हैं मणिमहेश। तो शिव जी की कृपा हुई तो दर्शन करके वापस आके कैलाश कुंड कबलाश भी जाएंगे। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। जय मणिमहेश, जय भोलेनाथ। हम पदरी धार में, यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर के बाद भद्रवाह खत्म और चंबा हिमाचल शुरू हो जाएगा। वो जगह भी दिखाएंगे आपको। पहले ये भद्रवाह देखो कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग है, ये लग क्या रहा है ही स्वर्ग ये है ना। तो दिखाते हैं कैमरा मैन आपको। तो ये सब यात्रा है, साथ मिलके जा रहे हैं सब। अभी सुना है आगे पदरी में लंगर होगा, देखेंगे अगर होगा तो खाएंगे। तो अभी आप पहुंचे हैं हम पदरी में, पदरी के बीचों बीच, और यहाँ पे लगा हुआ है लंगर अटकार सेवा समिति के। जो लोग हैं वो यहाँ पे मणिमहेश जो यात्रु हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। भोजन का इंतजाम है यहाँ पे, पानी वगैरह सब कुछ, मेडिसिन वगैरह सब कुछ रखी हुई है इन्होंने। अटकार सेवा समिति जो कि सरतेंगल वगैरह इसमें सब एरिया पड़ता है, सरतेंगल का जो एरिया है, पुनिच्चा वगैरह वो सब भद्रवाह से ही। तो आइए लंगर की तरफ चलते हैं, क्या क्या लंगर में बना हुआ है।
बाजी नमस्कार। ठीक राजी बाजी, कैसे दे तो कितनी देर हुई लंगर लगाए हुए यहाँ पे? 6 तारीख। अच्छा 6 तारीख से कंटिन्यू है। अच्छा अच्छा, तो अब कब कब तक रहेगा ये? अच्छा आज लास्ट है। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी आप पहुंचे हैं हम कोंदलू थम में। आपने अगर मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कोंदलू थम की क्या कहानी है। यहाँ पे जब भद्रवा और चंबा की लड़ाई हुई थी तो वो इसी जगह पे हुई थी, इसलिए यहाँ पे थम हमारी भाषा में बोलते हैं। थम मतलब कि रोका था चंबा वालों को। और इधर नीचे बहुत बड़ा एक डल हुआ करता था और चंबा वालों ने अपने हथियार उस डल में फेंके थे। फिर ये हमारे बुजुर्गों से हमने सुना। तो कोंदलू थम से थोड़ा सा नीचे आके हम पहुंचे हैं भद्रवाही गोट, मतलब कि भिल्लाई गोट है। तो भद्रवाही गोट ये है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया गोट होता है जहाँ पे पुहाल जो होते हैं वो अपनी बकरियाँ चराते हैं, जो गाय चराने वाले होते हैं गोट जिसको कहते हैं कि गोट है जी। तो मतलब कि एरिया, तो ये भिल्लाई गोट इसका नाम है। यहाँ से वहाँ पड़ा चंबा, हिमाचल का बॉर्डर, ये हम बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर तो शायद वहाँ पे है आगे, अब मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, वहाँ पे है शायद बॉर्डर, मगर ये जो एरिया है ये भद्रवाही गोट है। अभी हम भद्रवाह में ही हैं, कुछ एक दो मिनट के बाद हम चंबा में हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर है ये। तो अभी हम आ पहुँचे हैं हिमाचल के भद्रवाह की तरफ से। जब हम आते हैं हिमाचल के सबसे पहले गाँव में, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लंगेरा। हम पहुंचे अभी लंगेरा में। तो बोलते बहुत सारे मोड़ है, एक कहावत भी है बोलते मुड़ मुड़ के लंगेरे, तो वही मुड़ मुड़ के लंगेरे। ये आ गया जी लंगेरा, आपको सामने दिख रहे हो कितनी खूबसूरत छोटा सा गांव है एक टापू के ऊपर, और इसके आगे फिर और भी बहुत सारे गाँव है। यानी कि सबसे पहला गाँव यही है जब हम भद्रवाह से आते हैं तो हिमाचल का पहला गाँव यही है। अभी आप पहुंचे हम प्रिंदला से थोड़ा सा आगे, लंगेरा से दो गांव तीन गांव क्रॉस करके हम आगे आए हैं। यहां का प्रिंदला से आगे है, प्रॉपर मुझे नाम का पता नहीं है। मुझे पीछे झरना दिखा बहुत अच्छा था, मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखाऊं। तो देखिए कितना सुंदर झरना है, यहां तक इसकी जो छींटे हैं वो यहाँ तक आ रही हैं। तो हवा आ रही है यहाँ से, हवा देखिए उड़ रहे हैं कपड़े पानी के, इससे हवा आ रही है और पानी की छींटे भी पड़ रही हैं पीछे से। अभी हम शिलोनी से आगे निकल चुके हैं और भद्रवाही ठेकू ढोंस जो हमारा फोक म्यूजिक है वो सुन रहे हैं। तो देखिए आप कितने अच्छे अच्छे होटल बने हुए हैं यहाँ। तो अभी हम आ पहुंचे हैं सुंडला में, सुंडल नाम है यहाँ का। पीछे देखिए आप ये जो दरिया है इसका नाम है रावा, यही है जो रावा जो यहाँ से होते हुए लखनपुर वगैरह में जाती है। रावा हिमाचल की जो बड़ी नदी है सबसे, वही है ये रावा। और ये इस एरिया का नाम है सुंडला, सुंडले। तो देखिए आप कितना सुंदर नज़ारा है, वहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह सब रेत शेत ले रहे हैं यहाँ से। तो वैसे गर्मी भी बहुत है अभी यहाँ पे, हम गाड़ी में एसी ही लगा के आए हैं क्योंकि गर्मी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, काफ़ी तो नहीं बोल सकता मैं मगर गर्मी है, भद्रवाह से तो ज़्यादा गर्मी है।
तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अभी 3-4 घंटे का रास्ता तय करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं कियानी में। आपने गाना भी सुना होगा, पियो लेना क्या नेरा पानी, तो यही है वो कियानी, यही है। शायद कुछ थोड़ा आगे पीछे हुआ होगा, बट यही है कियानी मेरे हिसाब से। तो चलते हैं अभी आगे, चंबा जाएंगे। अभी आपको चंबा भी दिखाएंगे कि चंबा का चौगान, लक्ष्मीनारायण टेम्पल और उधर जितने मंदिर हैं सबके दर्शन आपको करवाएंगे। पहुंचे चंबा के चौगान में, चंबा में बल्कि प्रॉपर चंबा में है हम अभी। आपको ये पीछे चंबा का चौगान दिख रहा होगा, देखिए ये जो दरवाजा है ये चंबा के चौगान का दरवाजा है। मेन गेट जो है वो ये है। अभी हम प्रॉपर चंबा में पहुंचे हैं, तो आइए आगे आगे। अभी मैं आपको कम से कम कोई 5-10 मिनट की वीडियो में सिर्फ चंबा ही घुमाऊंगा। आइए फिर चंबा की तरफ चलते हैं। चौगान, आइए चंबा के चंबे के चौगान का थोड़ा सा परिक्रमा लेते हैं, थोड़ा सा इसको घूमते हैं। आइए हमारे साथ कैमरामैन कम। तो ये देखिए इतना बड़ा चौगान है यहाँ पे। जब हमारी यात्राएं, बड़ी यात्रा छोटी यात्रा जब आती थी यहाँ पे चंबा में मणिमहेश के लिए, तो जब ये यहाँ पे आती थी तो सब जो यात्रु थे जब चंबा में स्टे होता था तो इसी चौगान में रुकते थे। इसी चौगान में मेला लगता था, जो मिंजर का मेला होता है वो भी इसी चौगान में लगता। आप देख रहे होंगे कितना बड़ा ये एक पूरा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा चौगान है ये यहाँ पे। तो आइए इस तरफ चलते हैं। प्लस चंबा लिखा हुआ है, वहाँ पे जाते हैं थोड़ा। अभी आप ये देख रहे हैं बीच में स्तंभ, इसके ऊपर गरुड़ जी जो हैं वो विराजमान हैं, क्योंकि अंदर लक्ष्मी नारायण जी हैं, नारायण भगवान के वाहन जो हैं आप सब जानते हैं कि वो गरुड़ जी हैं। उनका जो उनके जो वाहन हैं गरुड़ जी, वो यहाँ बाहर मंदिर के बिल्कुल गेट के फ्रंट पे एक ये स्तंभ बना हुआ है, उसके बाहर एक ऊपर चबूतरे पे जो है गरुड़ जी विराजमान है। तो चलिए मंदिर के साथ अभी हर्षित जी जो कि चंबा के ही रहने वाले हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, स्तंभ के बारे में और मंदिर के बारे में। तो हर्षित जी अभी ये जो थोड़ा जोर से बताइए, आप माइक साथ में नहीं है और साथ में गाड़ियाँ चल रही हैं, ची ची कर रही हैं ना, आपको दिखाई दे रहा है मतलब। तो ये तो गरुड़ जी हैं ऊपर, और ये जो कंक्रीट का नहीं बना मतलब, तो ये पत्थर का बना और ये 16th सेंचुरी में बना था। 16th सेंचुरी मतलब कि अकबर के टाइम का, 6th सेंचुरी, हाँ 16th सेंचुरी तब का बना, मतलब मैं तो एग्जैक्ट बता नहीं। हाँ बट आपने जो सुना होगा तो वही बता रहे हैं आप, मतलब ऐसे लोग कहते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो आप देखिए कितनी इसको कितने इसकी कितने अच्छे से बनाया गया है, बिल्कुल पत्थर को कैसे गोल काटा गया, और मुझे नहीं लगता कि बीच में कोई किसी सीमेंट या कुछ और किसी चीज का यूज किया गया है, बिल्कुल एक दूसरे से अटैच है ये, है ना, और तब से खड़ा ही है वैसे ही। तो ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल का द्वार है, आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसको
नकाशा गया है, कितनी मेहनत के साथ इस दरवाजे को बनाया गया है। डोडी, इसको हम डोडी का नाम दे सकते हैं। नीचे देखिए आप, ये भी लकड़ी है, कितनी मोटी लकड़ी इसमें लगी हुई है। तो चलिए अंदर मंदिर की तरफ चलते हैं। ऊपर कलश देखिए आप, कितना सुंदर कलश है और कितना सुंदर मंदिर का निर्माण यहाँ पे किया गया है। मंदिर का कलश देखिए कितना बड़ा, ये सोने है, सोने का कलश कितना बड़ा बनाया गया है उस समय में। तो आइए अंदर श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करते हैं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ये मंदिर और प्रभु नारायण जी की ये मूर्ति के दर्शन आप अभी कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कुछ मंदिर के बारे में अगर हमें बताएं कि कब मंदिर बना था, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो 10वीं शताब्दी में बना ये मंदिर लक्ष्मी नारायण का। अच्छा जी, 1100 साल पुराना हो गया है। यहाँ के राजा ने बनाया था, चंबा के राजा शैल वर्मा ने। पुजारी जी के साथ तो हमारी बात हुई। अभी आप देखिए इस मंदिर को जो है कितनी अच्छे से, कितनी इसके ऊपर कलाकारी की गई है, कितना सुंदर इस मंदिर को जो है वो बनाया गया है, कितना समय इस मंदिर को बनाने में लगा होगा आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर जो है वो कलाकारी इस मंदिर में हुई है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। चंबा जो लक्ष्मी नारायण जी का टेंपल है, और सामने हिमाचली जो टोपियां वो आपको नजर आ रही होंगी, अखरोट, राजमा, अनारदाना, और ये भाई साहब की शॉप है यहाँ पे। तो भाई साहब, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे, आपका यहाँ का लोकल? सर, हमारे पास यहाँ चंबा का सब देसी प्रोडक्ट मिलता है। अखरोट हो गया, राजमा हो गया, काली दाल हो गई, कुल्थी की दाल हो गई, बाकी चंबा की चटनी मिल जाती है फेमस चंबा की। अरे अच्छा, बाकी ये अनारदाना, ड्राई फ्रूट जो सब मिलता है हमारे पास। तो आपकी आपकी शॉप कहाँ पे? आप शॉप मेरी लक्ष्मणा मंदिर के एकदम बाहर निकलते लेफ्ट साइड में। तो व्यूवर्स, आप जब भी मनी मेस आए तो इस शॉप से जरूर शॉपिंग करें, और हमारा नाम जरूर बोलेगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, वो दिखा दिया हमने, तो आप हमारा नाम बोलेगा मोहित कोतवाल। हाँ जी भैया, जो भी हमारे नाम से आएंगे उनको डिस्काउंट जरूर देना है ना। आपका शुभ नाम? अंकित सर। अंकित जी हैं हमारे। देखिए कितनी सुंदर इनकी शॉप है, यहाँ पे जरूर आइएगा। अभी हम पहुँचे हैं बग्गा डैम में। मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ बग्गा डैम। ये बग्गा, बग्गा का पुल है, और इसके साथ में है ये डैम। आप वहाँ देख पा रहे होंगे ये डैम है। ये हम आपको डैम की पिछली वाली साइड भी दिखाएंगे कि कितना पानी वहाँ पे रुका हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और अभी आप देखिए ये यहाँ से भरमौर के लिए अभी कम से कम कोई 1.5-2 घंटे लगेंगे भरमौर पहुँचने में हमें। तो अभी टाइम हुआ है पूरे 5। ये देखिए आपको टाइम दिख रहा होगा, पूरे 5 बजे हुए हैं अभी, और अभी यहाँ से हमें 2 घंटे लगेंगे भरमौर के लिए। तो शिव नगरी भरमौर में पहुँचने के लिए 2 घंटे लगेंगे अभी हमें बग्गा डैम के पुल पे। तो चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। ये है उस बग्गा डैम के पीछे वाली साइड, जहाँ पे कि डैम
डैम बना हुआ है, पानी को रोका गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ये यहाँ पे पानी रुका हुआ है। जैसा कि हमारे भदरवाह में और भी बहुत सारे इलाकों में डैम है, वैसे ये भी डैम है। देखिए आप कितना पानी रुका हुआ है यहाँ पे। मुझे तो ऐसी फील आ रही कि जैसे मुझे चिन्हाऊ की जैसी फील आ रही है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम लेट हो गए हैं तो भरमौर की तरफ निकलते हैं। हम पहुंचे हैं भरमौर से एक गांव पीछे लाल में। यहाँ पे देखिए शिव जी महाराज की कितनी सुंदर प्रतिमा है। यहाँ से प्रथम दर्शन जो है वो मणिमहेश के होते हैं। प्रथम दर्शन यहीं से, यहाँ से खड़े होके। अभी वहाँ पे बादल है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, वरना जब आसमान में बादल नहीं होते उस समय यहाँ से प्रथम दर्शन जो है वो मणिमहेश के होते हैं। इसलिए यहाँ पे ये मणिमहेश की एक प्रतिमा शिवजी भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ से प्रथम दर्शन जो है वो मणिमहेश के होते हैं। तो यहाँ से भरमौर तक का रास्ता शायद आधे घंटे का रहा होगा। चलिए अब भरमौर में जाके चुरासी के दर्शन करवाते हैं आपको। जय शिव नगरी भरमौर के प्रथम दर्शन आपको यहीं से होंगे। आपको दिख रहा होगा पीछे एक बहुत ही सुंदर जो गांव है वो आपको पीछे दिख रहा होगा। शिव नगरी भरमौर के प्रथम दर्शन यहां से। भरमौर के जो 84 हैं उनके दर्शन हम आपको कल करवाएंगे, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है। तो सुबह सुबह आपको सुबह सवेरे शुभ प्रभात में आपको दर्शन करवाएंगे शिव नगरी भरमौर के। अभी आप प्रथम दर्शन कीजिए शिव नगरी भरमौर के। तो शिव नगरी भरमौर में पहुंच चुके हैं हम। अभी रात के बज रहे हैं 8 बजे हम यहां पे पहुंचे। गाड़ी लगाने में बड़ी दिक्कत हुई, बड़ी प्रॉब्लम हुई, पार्किंग भी नहीं मिली। अभी हमने एक रोड में लगाई हुई है गाड़ी, भोले बाबा के हवाले है गाड़ी, यही रक्षा करेंगे हमारी भी और गाड़ी की भी और पूरे संसार की। तो भरमौर में बाकी 84 जो यहाँ पे टेम्पल्स हैं, 84 छोटे बड़े जो टेम्पल्स हैं उनकी दर्शन मैं आपको सुबह करवाऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप जो रात का यहाँ का नज़ारा है, व्यू है, अभी आप वो देखिए। और अभी बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, बारिश बस आने ही वाली है। अभी चंबा भरमौर में आप ये भद्रवाही भजन सुन रहे हैं। तो अभी हम सुबह के बजे हुए 8:30 और अभी भद्रवाही जो कुहाट हाउस उसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची, तो मैंने सोचा कि जाके थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो अभी आप देखिए, थोड़ा आनंद लीजिए इसका, बाकी बातें बात करें।
यार, तो कैसे हैं आप लोग? आज सुबह के अभी 10 बज चुके हैं, सुबह से मंदिर में रश बहुत था, तो मैंने सोचा अभी आपको दर्शन करवाता हूँ। पूरे 84 मंदिरों के तो मैं आपको दर्शन करवा नहीं पाऊंगा, मगर कोशिश रहेगी कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, मेन मंदिर हैं, उनके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो आइए मंदिरों की तरफ चलते हैं। वो ये है भ्रमौर का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि शिव जी भगवान जी का है। ये यहाँ के राजा ने 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में बनवाया था। इधर और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे जितने भी लिंग हैं, जितने भी मंदिर बने, ये खुद जमीन से प्रकट हुए थे, और उसके बाद फिर जो यहाँ के राजा थे 7th सेंचुरी में, मैं अभी उनका नाम भूल गया, बर्मन थे कोई, मैं नाम किससे पूछ के फिर आपको बताता हूँ, उन्होंने ये मंदिर दोबारा से मतलब की बनवाया। जो कि चिंता से और मंथरा से मलानी से है, ये यहाँ पे हवन कर रहे हैं और भंडारा बनाया हुआ है इन्होंने, और हवन हो रहा है अभी यहाँ पे। इस तरफ देखिए आप, इस तरफ दूसरी पहुँच चुके हैं, और अभी अंदर आपको भगवान जी के भी दर्शन करवाएंगे, जो शिव जी भगवान है यहाँ पे, उनके दर्शन करवाते हैं अभी आपको। तो आइए आप खड़ा मंदिर की तरफ। जय भोलेनाथ, आप सीधे दर्शन कर रहे हैं भरमौर के, जो बड़े बड़ा मुख्य मंदिर है, उसके दर्शन आप लाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना भव्य ये मंदिर है। यहाँ पे बछवे भी हैं, और ये इसकी जो जलेरी है कितनी भव्य और कितनी बड़ी है। जैसे कि पुजारी जी ने कहा कि इसका कोई पता नहीं है कि कब का ये, तो ये पता है कि 7वीं शताब्दी में। ये सिर्फ 7वीं शताब्दी का बार का मंदिर का डिजाइन है, बाकी जो शिवलिंग है जिस पर अम्बु प्रकट है, आदि काल से इनका कोई पता नहीं है, पर जो बार का मंदिर डिजाइन किया गया वो राजा नंद वर्मा के 7वीं शताब्दी का किया गया। अच्छा जी, ठीक है। बड़े मंदिर के अब हम जाएंगे मंदिर के दूसरों तरफ भी, और दूसरे मंदिर भी आपको मैं दिखाता हूँ। पहले आप इस मंदिर की जो चित्रकारी इस मंदिर के ऊपर की गई है, पहले आप वो देखो कितनी सुंदरता से इस मंदिर को बनाया गया है। वेरू बर्मन जी राजा ने इस मंदिर को बनाया था। महादेव के दर्शन करने के बाद अभी आए हम नंदीश्वर महाराज के पास, जो कि भगवान भोलेनाथ के वाहन है। मंदिर के बिल्कुल सामने ये जो है नंदीश्वर महाराज यहाँ पे विराजमान है, और इनको यहाँ पे स्वर्ण बछुए के नाम से जाना जाता है। तो आप भी इसके दर्शन कीजिए। दर्शन करने के बाद अभी मैं आपको धर्मेश्वर महाराज के मंदिर में लेके जाऊंगा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंदिर है यहाँ पे पूरे हमारे हिंदुस्तान में, धर्मेश्वर महाराज। और चित्रगुप्त और ढाई पौड़ी कहते हैं कि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद वो यहीं पे आता है, उसका लेखा जोखा सब यहीं पे होता है। तो चलिए उस मंदिर में, धर्मेश्वर महाराज जी का मंदिर हमारे, मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंदिर है धर्मराज जी का, जो कि भरमौर में है, भरमौर में स्थित है। तो आइए मंदिर की तरफ अंदर चलते हैं। बनवाया था, आप पहले दर्शन कीजिए।
लेके चलता हूँ ढाई बोड़ी, आपने सुना होगा ढाई बोड़ी, इसी यही ढाई बोड़ी क्रॉस करके इस मंदिर में आने की अनुमति मिलती है। मृत्यु के बाद जो जब इंसान अपने शरीर का त्याग करता है, जो आत्मा है वो यहीं पे ही आती है, और उसका जो लेखा जोखा जो कुछ भी है वो यहीं पे ही होता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में एक ही धर्म राज्य का मंदिर है। तो आइए ढाई बोड़ी की तरफ चलते हैं। और वो ढाई यही पौड़ियाँ यही पे आके जो इंसान है उसका सारा लेखा जोखा जो है ये पौड़ियाँ पौड़ियों के ऊपर से गुजरने के बाद फिर चित्रगुप्त जी के मंदिर जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा करके और धर्मराज जी के सामने, धर्मराज जो मंदिर है उसके बिल्कुल सामने जो है वो चित्रगुप्त जी का मंदिर भी है। तो आइए अब चित्रगुप्त जी के दर्शन करें। देखिए ये है चित्रगुप्त, यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रगुप्त पोथी। तो आइए आप आगे आके दर्शन कीजिए चित्रगुप्त जी के। अभी हम हैं यहाँ पे, देखिए लिखा हुआ है नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है, जो कि विष्णु जी के अवतार थे। प्रहलाद की जो रक्षा थी वो नरसिंह जी ने ही की थी, जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद को बड़ा सताया दुखी किया तो फिर नरसिंह भगवान जी का अवतार हुआ और उन्होंने उसका संहार किया। तो आइए भगवान नरसिंह जी के दर्शन, भगवान नरसिंह जी के मुख्य द्वार पे आप आइए अंदर और भगवान जी के दर्शन करवाते हैं आपको। तो ये भगवान नरसिंह जी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पे विराजमान है। आप देख रहे हैं कितनी भव्य कितनी सुंदर जो प्रतिमा है वो भगवान नरसिंह जी की यहाँ पे है। ये भी ये मंदिर भी काफी बड़ा है यहाँ पे। तो पुजारी जी ये भी उसी समय में ही बना था मंदिर, सातवीं शताब्दी में ही। अच्छा ये वाला जो मंदिर है ये वाला दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी, टेंथ और इलेवेंथ सेंचुरी के बीच में ये मंदिर बना था। तो देखिए आप दर्शन कीजिए। आज 15 अगस्त भी है और हैप्पी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की, और जो हमारे वीर हैं जो जवान हैं उनके लिए मेरा सलूट। और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा कल्चर प्रोग्राम, अभी वहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा बहुत आपको वो कल्चर प्रोग्राम भी दिखाएंगे। देखिए अपने कल्चर को कितने अच्छे से संभाल के रखा हुआ इन लोगों ने, इस बात से मुझे बहुत ही मेरा मन प्रसन्न होता है जब मैं ऐसे प्रोग्राम देखता हूँ। अभी आपको मैं एक बहुत ही सुंदर मंदिर में लेके आया हूँ, इसका नाम है विधि जी की, विधि माता लखना जी। ये भी सातवीं शताब्दी सेवंथ सेंचुरी में ये मंदिर बना है। आप देखिए इसकी खूबसूरती, लकड़ी में ये सारा मंदिर जो है वो बना हुआ है, कितनी खूबसूरती से इस मंदिर को बनाया गया है आपको दिख रहा होगा। कितनी अच्छी इसके ऊपर कलाकारी की गई है, कितनी मेहनत के साथ कितने साल लगे होंगे इस मंदिर को बनाने में आप सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर इसके ऊपर, और उस समय में बना हुआ ये जिस समय की कोई मशीनें भी नहीं हुआ करती, ये सब हाथ का कमाल है। और मुझे तो लगता है कि जो वो बनाने वाले लोग थे उन वो अवतारी थे, भगवान की उनके ऊपर पूरी कृपा दृष्टि थी, इसीलिए वो इतनी सुंदर उन्होंने नक्काशी इस मंदिर पे की है। और इस मंदिर को कोई भी कील नहीं लगी,
अच्छा जोड़ो पे जो है ना ये पार्ट वाइज खुल जाएगा, ये अच्छा पूरा खुल जाएगा, खुल जाएगा। इस तरफ बताइए आप कैमरा की तरफ। अच्छा किल 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 कोई नहीं लगा इसमें, तो पुजारी जी कह रहे हैं कि किल एक किल भी नहीं लगा इसमें, पूरा ये हिस्सों हिस्सों में पार्ट है इस मंदिर के, हिस्सों हिस्सों में बना हुआ ये मंदिर। अगर बोल रहे हैं अगर ये खोलना हो तो पूरा का पूरा मंदिर खुल भी जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप ये कितना सुंदर यहाँ पे फूल जो है ये बनाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर ये जो जी 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 आप देख रहे हैं कितना सुंदर यह। और अंदर प्रतिमा कितनी सुंदर है इस मंदिर की, आप देख रहे हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है इस मंदिर की। अंदर भी बहुत कार्य अंदर अंदर भी देखिए कितनी अच्छी इसके ऊपर जो कलाकारी है, जो नक्काशी की गई है कितनी सुंदर इसके ऊपर की गई हुई है। ऊपर ऊपर छत छत देखिए कितनी इसकी सुंदर, कितनी कितनी भव्य छत है इसकी। अच्छा तो अभी हम आए हैं ऊपर हेलीपैड पे, यात्री जो हैं वो कल से इंतज़ार कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कब चलेगा, क्योंकि कुछ लोग हमारे बेचारे चल नहीं पाते हैं, दूर दूर से आए होते हैं, चलने की आदत नहीं होती है, तो हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं, सर्विस लेते हैं, तो बंद है हेलीकॉप्टर दो दिन से। शायद भोलेनाथ की कृपा हुई तो कल तक या आज शाम तक मौसम साफ हुआ तो चलेगा। 7400 रुपीज़ जो है वो इसकी टिकट है हेलीकॉप्टर की, 7400, तो आने जाने की टिकट जो है 7400 की है। तो अगर आप जब भी आएँ तो टिकट करवाएं यहाँ पे भरमौर से थोड़ा सा ऊपर आके, कोई आधा किलोमीटर ऊपर आके यहाँ से हेलीकॉप्टर जाता है मनी मेज के लिए। तो चलिए अब चलते हैं भरमानी माता की तरफ। भरमानी माता के दर्शनों के लिए अभी जा रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा चल लिया मैंने, और अभी आप देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे सेब के पेड़ों के जंगल में आ गया हूँ मैं। देखिए आप कितने सुंदर सुंदर सेब लगे हुए हैं, खत्म नहीं होंगे। ये देखिए कितने सुंदर जो है वो सेब एप्पल्स लगे हुए हैं, पूरे ऐसे जैसे चिपका दिए वो पेड़ के साथ, कितने बड़े बड़े कितने सुंदर है। एक मैंने भी तोड़ लिया है, यात्री तोड़ के खाते रहते हैं। हाँ ये देखिए वाव, इसमें छिलका नहीं लगेगा, तुम्हें छिलका है इस सेब के अंदर। देख रहे आप कितने सुंदर लकड़ी के घर बनाए हुए हैं, आगे वरांडा कितना सुंदर है, नीचे पसारी भी बोलते हैं इसको, वरांडा भी बोलते हैं नीचे हमारी भाषा में, गोड़ भी, और वहां देखिए खड्डी भी लगी हुई है, यानी कि ऊन के कपड़े जो है वो वहां पे बनाते हैं, कंबल कोट के लिए, कपड़ा घुटनने के लिए, चादरें वहाँ पे बनती है, इसको बोलते हैं खड्डी हमारी भाषा में, भद्रवाही भाषा में। आपको तो ये सारा जंगल दिख रहा होगा कि ये जंगल है, मगर ये जंगल नहीं, ये सब सेब के पेड़ है, सब के सब, बीच बीच में इसमें दियार के भी पेड़ हैं, बीच बीच में कहीं एक दो पेड़, और बीच बीच में अखरोट के, बाकी ये सब के सब जो है वो सेब के पेड़ है। ये देखिए ये आपको लग रहा होगा कि जैसे जंगल है, मगर जंगल नहीं है, ये सब सेब के पेड़ है, एप्पल के पेड़। नीचे भरमौर भी दिख रहा होगा आपको, कितना सुंदर है नगरी भरमौर की, अथर्व बड़ा सुंदर नाम है जी इनका। अच्छा सेब बेच रहे आप, कितने के? 10 के 2। 10 के 2, मैं तो 5-6 चोरी करके ले आया नीचे। हाँ इधर इतने सेब है, कौन खरीदेगा सेब? खरीद रहे हैं लोग, खरीद रहे हैं। अच्छा पढ़ते हैं आप, कौन सी क्लास में? और आप? अच्छा क्या नाम है इस जगह का जहाँ पे आप रहते हो? भरमौर नीचे? अच्छा तो भरमानी ऊपर है। अच्छा फ्री में नहीं दोगे सेब मुझे? हैं दोगे? नहीं देंगे जी, ना ही बोल दो, इसके बोलो नहीं भैया, बिजनेस है भाई है ना। ये देखिए कितनी प्यारी बच्चियां हैं यहाँ पे, कितने के सेब है ये? 10 के 4 पर एक। फ्री में
छोटा वाला बोरा सब ले लो है? दो दो ले ले फ्री में पैसे फ्री में ठीक है लेंगे लेंगे। देखिए बच्चे इसलिए तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं, तो बोल रहे हैं फ्री में भी ले लो और खरीद के भी ले लो, खरीद के नहीं भी लेना मगर फ्री में ले लो। तो आप देख रहे हैं बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, भगवान का रूप ही होता है। देख रहे हैं आप पुराने कितने खूबसूरत कितने सुंदर सुंदर घर है, ऊपर स्लेट लगी हुई है, कितने सुंदर कितने प्यारे लकड़ी के पूरे इसमें कितने अच्छे से वरांडे बनाए गए हैं, कितने अच्छे घर हैं यहाँ पे। और ये गलियाँ हैं यहाँ की। डेढ़ घंटे की चढ़ाई के बाद ऊपर पहुँचे अभी हम, मगर किंतु बारिश बहुत जोर की लगी हुई है। तो एक यहाँ पे भाई साहब ने अपना छोटा सा एक ये मोमी कागज़ का लगाया हुआ है, शेड सा बनाया हुआ है, तो यहाँ पे रुके हम बारिश से बचने के लिए। अभी यहाँ से ऊपर शायद आधा घंटा और लग जाएगा हमें। आपके सामने बिरमानी माता का पूरा एरिया जो है वो दिख रहा होगा, देखिए ये पानी सारा वहीं से आ रहा है। तो अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, बस यहाँ से 10 मिनट में हम ऊपर माता के दरबार में पहुँच जाएंगे, उधर स्नान भी करेंगे। आगे अब मुझे पता नहीं मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, बाकी वीडियो भाई खुद ही बनाएगा। जय माता। दरबार में पहुँच चुके हैं, यही वो सरोवर है जिसमें लोग स्नान करते हैं और अपने पापों का निवारण करते हैं। पहले इसी सरोवर में स्नान करके फिर मणिमहेश के सरोवर में स्नान करने का फायदा है। जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे तब तक, क्योंकि माता को वरदान था कि जब तक तेरे यहाँ पे दर्शन नहीं करेंगे, तेरे सरोवर में स्नान नहीं करेंगे, तब तक मेरे मणिमहेश आने का कोई फायदा नहीं है। जब मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था, आज से कम कोई 15-16-17 साल पहले, नहीं 20 साल पहले शायद, तो जब मैं यहाँ पे आया था तब यहाँ पे जो बौली थी वो पूरी पत्थर की थी, प्राचीन दिखती थी वो कि बौली है, प्राचीन है। अभी तो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और जगह पे आया हुआ हूँ, और मुझे लगा वो बौली शायद ऊपर होगी, क्योंकि ये तो अभी स्विमिंग पूल टाइप बना दिया है ना इसको, तो वो मुझे वो फील नहीं आई कि वो वाली वो फ़ोटोज़ हैं अभी तक मेरे पास घर में पड़े हुए। तो वो फ़ोटोज़ मैं अगर हो पाएगा तो शेयर करूँगा आपके साथ, जो बचपन के फ़ोटो थे हमारे, वो पूरी बौली जैसे होती है ना हमारे भद्रवाह में, या कहीं भी आप जाओ जम्मू में किसी भी एरिया में, जो पत्थर की पूरियाँ से वैसे ही बौली थी वहाँ पे। तो इसको अभी ये कर दिया है, थोड़ा इसको मॉडर्न बना दिया है ना, स्विमिंग पूल टाइप, चलो ठीक है अच्छा। बट मेरा तो यही मानना है कि हमेशा जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं उनका नवीकरण करो, अगर कहीं से टूट रही उधर सीमेंट लगा दो या कुछ और लगा दो उधर जोड़ दो, मगर उसका पूरा का पूरा नक्शा जो है उसको ख़राब ना किया जाए। ये मेरे अपने मन की जो भावना है वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, बाकी अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना काम है, जिसको जैसा अच्छा लगता है। तो अभी आप माता भरमानी के दर्शन कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे माता रानी की कितनी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे, और कुछ पिंडियाँ भी हैं माता रानी की, पुजारी जी यहाँ पे प्रसाद वगैरह दे रहे हैं। आप ये वीडियो भरमानी से देख रहे हैं, माता रानी के दर्शन, भरमानी माता, भरमानी माता के दर्शन आप अभी लाइव देख रहे हैं, माता रानी की कृपा के साथ हम भी यहाँ तक पहुँच गए।
स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ना सफ़र किया है, ना कोई थकावट है, ना कोई कुछ, ऐसा पूरा लग रहा है कि पता नहीं कितने दिनों के बाद इतना जो है वो सुकून मिला है, पूरी थकावट पूरी दूर हो गई यहाँ पे आके। स्नान करने से सारी थकावट दूर हो गई, ये बात मैंने आपके साथ शेयर कर ली, इसलिए मैंने दोबारा से वीडियो बनाई। तो चलिए लंगर वाली तरफ। अभी माता रानी के दर्शन के बाद, स्नान के बाद अभी यहाँ पे लंगर में आए, तो खाना खा रहे हैं। दाल बनी हुई है, चावल है, चटनी है और अम्बल है। तो ये देखिए आप, ये हमारे तो ये सेवादार हैं यहाँ पे जो लंगर लगाया है। तो भद्रवाह, भलेस, कठुआ, जम्मू सब जगह का है ना। तो भद्रवाह, ये भलेस के हैं, भद्रवाह भलेस के। तो आप देखिए सेवा कर रहे हैं। कितने दिनों से लगाया जी आपने लंगर? 6 तारीख से। अभी कितने दिन चलेगा? पास में जाओ ना, पास में जाओ। हाँ जी, 20 तक चलेगा। अच्छा, 6 से लगाया और 20 तक चलेगा, ठीक है। तो सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हमें भरमौर के सबसे बड़ा जो यहाँ पे महादेव जी का मंदिर है वहाँ पे और अभी हम जा रहे हैं मनी महेश की तरफ। तो भोले बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं मंदिर में, कुछ टीका वगैरह भी लगाएंगे, चरणामृत प्रसाद पीने के बाद, खाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद, चरणामृत पीने के बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। महादेव के दर्शन तो मैंने आपको पहले भी करवाए थे, अभी सुबह सुबह फिर से आपको, आज 16 डेट है और आगे के लिए प्रस्थान करेंगे 1 घंटे बाद। गला भी बैठ गया है अभी सुबह सुबह, तो अब देखते हैं दिन को, शायद शाम को भजन भी गाए थे ना बहुत सारे। तो आइए अंदर मंदिर के दर्शन करते हैं। भरमौर से हडसिल की जो बस है उसमें हम बैठ चुके हैं और ये देखिए ड्राइवर भी आ गए हैं गाड़ी में। ये देखिए, ये यात्रु सब बैठे हुए हैं गाड़ी में। आगे रोड खराब है, अपनी गाड़ी उन्होंने लेने नहीं दी, इसीलिए इन्हीं के वाहन में जो हिमाचल की गाड़ियां हैं बस में हम जा रहे हैं यहाँ से हडसिल तक। हडसिल से फिर हम जाएंगे पैदल धुनछो के लिए। आज रात को धुनछो में रहेंगे क्योंकि वहाँ पे रहने का इंतजाम होगा, टेंट टूंट मिलेंगे। जय जय। हमने टिकट ले ली है भरमौर से हडसिल के लिए, हिमाचल पथ परिवहन निगम, 20 रुपए की टिकट है और अब जा रहे हैं हडसिल की तरफ। भरमौर से बस ली हडसिल की, भरमौर से हडसिल तक 12 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर हमने बस में सफ़र किया, इसके बाद रहा 7 किलोमीटर। मगर यहाँ आगे रोड ख़राब है इसलिए बस ने यहाँ उतारा, अब यहाँ से पैदल हम आगे जाएंगे और आगे से दूसरी गाड़ी लेंगे।
हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, बट चल रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पीछे से कितना जो बादल फटा है, उसकी वजह से पूरा जो पुल है वो ढह गया है और पूरा जो रास्ता है वो ख़राब हो चुका है। इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ की हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने यहाँ से रास्ता जो है पैदल रास्ता दूसरी तरफ से जाते हुए हम वहाँ से होते हुए वहाँ से उतरेंगे नीचे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बादल फटा है और रोड पूरी ब्लॉक है। इधर से भी जाने जा रहे हैं, ऊपर से पत्थर वगैरह भी नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए अब हम वहाँ से जाते हुए वहाँ से नीचे उतरेंगे। देख रहे होंगे अभी हडसल में क्या कितने बादल फटने की वजह से कितने बुरे हाल हो चुके हैं यहाँ के, लेकिन जो यात्रु हैं जो श्रद्धालु हैं वो अपने भोले बाबा की दर्शन की जो उनके अंदर लालसा है वो उनको खींचे जा रही है। उनको कोई चिंता कोई भय कोई डर नहीं है कि रोड कैसा है या पत्थर आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, बस दिल में बस एक ही उमंग है कि भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने हैं। जो है पुल को बनाने की भी पूरी तैयारियां हो रही है कि जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए और यात्रा जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाए। तो चलिए आगे सब कुछ। अभी हम आ पहुंचे हडसल में, 12 घंटे का गाड़ी का रास्ता और आधा किलोमीटर पैदल चल लिए जा रहे हैं अभी हम। तो आइए देखते हैं आगे का सफर कैसा रहता है। वाली गाड़ी है, मेरा 300 रुपया रह गया, 500 रुपया दिया था, 10 टिकटें ली और 300 रुपया वहाँ पे रह गया, अब यहाँ से जाके लूंगा वापस। तो चिंता मंथला की यात्रा जो है वो हडसल में पहुंच चुकी है, पैदल यात्रा चल रही है। कितना हर्ष और उल्लास है हमारे चेलों में, ये देखिए सियाने सियाने चेले हमारे। और ठीक है ना, कितने साल से जा रहे हैं आप यहाँ जी मनमेश? तीसरे साल जाते अब अगले साल नहीं जाएंगे? नहीं, अच्छा अच्छा, पहले भी जाते थे आपके कोई, आप ही जा रहे होते? नहीं, तो आपके पिता जी कोई दादा कोई नहीं जाता, सिर्फ आप ही जाते हैं? चिंता से हैं आप? चिंता से। तो देखिए कितना अच्छा लगा इनके साथ बात करके, ये हमें उधर भेजा में भी मिले थे मंदिर में है ना। तो देखिए यात्रा कितनी अच्छी, कितनी हर्ष उल्लास के साथ यात्रा चल रही है और पैदल ऊपर तक, उधर से भद्रवा से यहाँ तक पूरा पैदल, चिंता से पूरे मणिमहेश तक पैदल यात्रा। यही तो मजा था यात्रा का। अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ लोग ऊपर से जा रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं ना, तो आनंद तो यही है ना। तो वो किसी ने भजन लिखा था बहुत अच्छा, बोलते हैं भगवान से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है ना। तो ठीक है अभी के लिए इतना ही, फिर शाम को पूजा आरती दिखाएंगे आपको। तो अभी हम हडसल थान में हैं बैठे हुए, तो जैसे ही संध्या होती है, हमारी भाषा में ठकाला बचनता तेरे मैनो, जितने भी डेरे होते हैं जितने भी लोग अलग अलग परिवार के होते हैं वो रोट बनाते हैं, रोट के साथ धूप दीप भगवान जी को चढ़ाते हैं और अपनी यात्रा को मंगलमय और संपूर्ण करने का आशीर्वाद भोलेनाथ जी से मांगते हैं। आप देख रहे होंगे कि सब लोग जो है वो कतार में लग के वो चढ़ा रहे हैं। तो ये हैं इस यात्रा के जो चालक चेले हैं, मेन चेले वो ये हैं जो कि बेज्जा के निवासी हैं, बेज्जा के रहने वाले हैं। इनका नाम है श्री रमेश कुमार,
अच्छा जी, चेला साहब कितने सालों से आ रहे हैं जी आप? 47 साल हो चुके भाई। अच्छा 47 साल से आ रहे हैं, 47। अच्छा काफ़ी देर से आ रहे हैं आप। काफ़ी देर से। पहले आपसे पहले कौन आता था कि आप ही? हमारे से पहले मम्मी आते थे। अच्छा। उनके साथ में चलता रहा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब कि आपकी परंपरा ये पीछे से? ये 250-300 यात्रा चलती है। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? 250-300 लोग हैं। 300। अच्छा अच्छा जी, बहुत बड़ी यात्रा है जी आपकी है। ठीक है ठीक है, तो अभी आप कितने कब निकले थे भद्रवाह से? भद्रवाह से निकले थे हम 6 तारीख। अच्छा 6 तारीख को। तो अब ऊपर आपने सरोवर में कब नहाना है, किस डेट को? 18 को, जन्माष्टमी को। और फिर भद्रवाह कितने दिनों में पहुँच जाना वापिस? 2 दिन में वापिस। खराब ठंडे पानी और भजन गा गा के अभी सुबह के बजे 6 और हम जा रहे हैं मणिमहेश की ओर। यहाँ पे आपकी गाड़ियों का जो सफ़र है, गाड़ियों का सफ़र ख़त्म और पैदल यात्रा शुरू होती है। वैसे जो पुराने लोग हैं, जो चेले हैं, वो तो अपने अपने घरों से ही पैदल मणिमहेश तक और वापस घर पैदल वापस ही पे गाड़ी का इस्तेमाल करके यहाँ से वो जब जाते हैं तो गाड़ी पैदल ही जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये मेन गेट है हडसल का, यहाँ से ऊपर जो है पैदल यात्रा शुरू हो जाती है इस गेट से। यहाँ से 6 किलोमीटर धिनछो जहाँ पे आज हमने रात को रुकना है और वहाँ से ऊपर 7 किलोमीटर मणिमहेश है। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी निकल चुके हैं ऊपर के लिए मणिमहेश के लिए और घर पे मैंने बात की अभी एसटीडी में से और अपने मेरे एक प्रिय मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं अजय, उनके साथ ही बात हुई अभी बड़ी मुश्किल के साथ। 1 मिनट के 10 रुपए लेते हैं बात करने के। जिसने भी फ़ोन करना हो तो हडसल से ही जो अपने फ़ोन वगैरह किसी अपने जनों को करना हो, घर वालों को करना हो तो वो यहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। तो मैंने भी बात करके उनको बता दिया कि अब 3 दिन के लिए मैं आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा हूँ, फ़ोन की मोबाइल की इंटरनेट की दुनिया से दूर भोले बाबा की मस्ती में रंगने के लिए आगे निकल रहा हूँ। तो चलिए साथ में यात्रा करते हैं। यहाँ से धनछो तक का सफ़र शायद 1.5 घंटे का रह गया है और ये सबसे पहली जो पुली है, इसी भाषा में जोतन कंकड़ी, जो सबसे पहली पुली है वो ये है। तो उसके बाद दूसरी है, सबसे पहला पुल आया अभी तक का ये कंकड़ी, मतलब कि आओ देखिए ऊपर से पानी जैसे दूध दिख रहा है, दूध की तरह। Yeah,
आधे घंटे का रास्ता रह गया राजन छो के लिए। मैंने पहले भी शायद एक डेढ़ घंटा बोला था, आधे घंटे का रह गया। रास्ते में चल रहे भद्रवाही भजन, तो सोचा कि थोड़ी सी वीडियो भी उन्हें बना ली जाए, तो देखिए थोड़ा सा आनंद आप भी लीजिए। सेहरा देखते हैं काम पे होता है, और आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये माहौल है। इधर नीचे से नदी बह रही है, ऊपर इसके पुल है। आप देखिए यहाँ पे ये जो टेंट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे लोगों को रहने के लिए ये लगाए हुए हैं इन्होंने। इसमें कोई 100 रुपया एक आदमी का लेता है, कोई 150 रुपया लेता है, तो अंदर कम्बल वगैरह आपको सब कुछ मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना हम आप पहुंचे हैं गंछो का जो छो है, इसी के छो के नाम से यहाँ का नाम गंछो पड़ा है। फ्लड से पहले आज से कम कोई शायद 40-50 साल पहले या 30 साल पहले यहाँ पे फ्लड आया था, जो कि मैंने अपने गुरु जी से सुना है। उस फ्लड से पहले ये जो पानी यहाँ से बह रहा है, ये सारा पानी यहीं से ही रहता था। और इसको कहते हैं गंछो घोड़ी, घोड़ी कहते हैं जो बीच में आपको ये जो बीच में आपको ये जो दिख रहा है पत्थर, इसको घोड़ी कहते हैं। आधा पानी इस साइड से और आधा जिधर से अभी है इधर से, ये जो पानी इस साइड से बह रहा है ये वाला पानी पहले नहीं था, क्योंकि फ्लड के बाद ये पानी यहाँ आ गया, नहीं तो सारा पानी यहाँ से ही बह रहता। और बीच में ये थोड़ा सा पत्थर दिखता था, इसको कहते थे गंछो घोड़ी। ये पत्थर दिखता था बीच में थोड़ा सा ये वाला, और पानी यहाँ से और यहाँ से आता था, यहाँ से नहीं, फ्लड के बाद पानी यहाँ चला गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी का प्रेशर कितना है, कितने जोर से पानी आ रहा है, कि हवा यहाँ से उत्पन्न हो रही है, और उस हवा के साथ ये पानी ऐसे छोटी 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 बूंदों में बदल के लोग आप देख रहे हैं। ये चेले जो हैं वो उधर से अभी काफ़ी पास में जाके इन्होंने स्नान किया, हमारे भद्रवाह के ही चेले, इनका नाम श्री ऋषि कुमार जी हैं। हर हर महादेव, हर हर। देखिए लोग जो है वो यहाँ पे सोना भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे पत्थर में ऐसे लोहे की ना धात जैसी होती है, छोटे छोटे से पीसेस होते हैं लोहे के, तो इनको लग रहा है कि वो सोने के हैं, और उनको ढूंढने की कोशिश, और पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं भोले बाबा की यात्रा पे आके लालच, और ये ही लालच हम लोगों को, मुझे लगता है कि मारता है ना, क्योंकि
हम लोग लालच करते हैं और भोले बाबा, ये तो भोले बाबा की माया है, ये तो दिखाएंगे, सोना भी दिखाएंगे, अब हम उसको ढूंढने लग जाएंगे, अपनी भक्ति को वहीं भूल जाएंगे और पड़ जाएंगे हम सोना ढूंढने में। चलो मैं थोड़ा पास में जाके वीडियो बना, देखिए सोने की तलाश। सोने की तलाश की जा रही है, ये देखिए। तो कितनी मेहनत के साथ सोने को जो है वो यहाँ पे ढूंढा जा रहा है, बड़ी मेहनत का काम है ये। ये देखिए भाई साहब ने घर से 11 जाबल गिनती बेल चुहान रहा है यार। चलो आपकी तो वो जिम भी हो रही, एक्सरसाइज भी हो रही साथ साथ में, है ना। बाकी आप देखिए धनछो जो है वो कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सुबह के बजे हैं 5:30, 6 होने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं अब मनी महेश की ओर। अमरजिन साडरू महस था, मतलब कि आसमान ऐसा है कि जैसे किसी ने साफ करके छोड़ा, बिल्कुल क्लियर। कैमरामैन आपको दिखाएंगे आसमान के भी थोड़े से दृश्य कि आसमान कैसा साफ दिखाई दे रहा है। और ये बुजुर्ग कहते हैं कि जब पूरी धूप होती है, सनी डे होता है, तब बूटियाँ जो होती हैं पहाड़ियों पे उनको लगने का भी डर रहता है, क्योंकि धूप में उनकी खुशबू आती है और वो खुशबू फिर आदमी के दिमाग में चढ़ती है और माइंड खराब हो जाता है। तो देखिए आप लाइन, सुबह से ऐसी लाइन लगी हुई है यात्रा की, लोग देखिए कैसे जा रहे हैं। हम अगर इस वाले रास्ते दूसरा वाला रूट लेंगे, क्योंकि इस रूट से हम शाम को जाके हमने धनछो में नहा लिया था कल ही आके, और हम लेंगे ये वाला रूट। आप देख रहे हैं आपकी जगह, हम लेंगे ये रूट, लेकिन लोग आपको सामने दिखाई दे रहा होगा धनछो का जो छो है, जिसको भी कहते हैं धनछो घोड़ी, आपको दिख रहा होगा कितना पानी यहाँ पे। हेलीकॉप्टर है वो भी आज जोरों शोरों में काम कर रहा है। बाकी आप भक्तों की जो भीड़ है, जो लाइन है, वो आपको दिख ही रही होगी। ये देखिए इसको कहते हैं हमारी भाषा में राम चक्र फूड़ो ही नहीं है। देखिए ये जो है इसको लोग घर में ले जाते हैं, इसको घर में रखते हैं पूजा के स्थान पे, फिर जब ग्रहण वगैरह कोई कुछ होता है तो उस दिन इसके पानी के साथ स्नान करते हैं, बड़ा शुभ होता है। बाकी आप यात्रा देख रहे हैं, नीचे धनछो नीचे छूट गया, अब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। तो 1 घंटे के सफर के बाद अभी हमें यहाँ पे मिला है लंगर, जहाँ पे की बनी हुई है खीर, चाय, बिस्किट, और बस इतना ही है यहाँ पे। ये देखिए खीर है, बिस्किट है, चाय है, और रश भी बहुत है, आप देख रहे होंगे। और सूर्य भी निकल चुका है, हिंदुस्तान का ईशान, हिंदुस्तान का झंडा। देख रहे नीचे धनछो,
काफी मोड़ों वाला रास्ता, इसलिए इतना टाइम लगा। घंटे के सफर के बाद हम आप पहुंचे थोड़े से ऊपर, और यहाँ से देखिए आप ये जो है ये नया ट्रैक है, ये वाला जो ट्रैक है ये नया ट्रैक है, और हम जा रहे हैं पुराने रास्ते से, जो पुराना रास्ता है जहाँ से हमारे बुजुर्ग हमारे सब लोग आज तक चल रहे हैं, हम भी उसी पुराने रास्ते से जा रहे हैं। बाकी कुछ लोग वहाँ से भी जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा वहाँ से पार से भी एक रास्ता है, बाकी ज़्यादा रश यही से है क्योंकि जो पुराना ट्रैक है वो यही है। तो जब भी कहीं पे भी जाएं तो हमेशा जो पुराने रास्ते हैं जो पुराने ट्रैक हैं वहाँ से ही जाना चाहिए। उन्हीं सभी रास्तों में भगवान जी के चमत्कार हुए होते हैं, जैसे कि कैला कबलास हमारे वहाँ पे क्या है कि लोग कुछ छतरकाला से जाते हैं कुछ कहाँ से जाते हैं, तो उनको जो रास्ते में चिन्ह है जहाँ पे वासुकीनाग जी ने रोया है या और कुछ है गंथक है शंख रूपाधर है वो चीज़ें नहीं दिखती हैं फिर, इसलिए जो असली रास्ते हैं हमें वही फॉलो करने चाहिए, पुराने रास्ते हैं नए रास्तों को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। भलेश की यात्रा जो कि अपने पूरे रस्म और रिवाज के साथ चल रही है, जंत्री आगे आगे चेले पीछे पीछे और पूरी जो जितने भी इनके साथ यात्रु है वो उसके पीछे पीछे, तो आप देख रहे हैं पूरी रीति रिवाज के साथ ऐसे ही पहले सब यात्राएं चलती थी, मगर अब सारा सिस्टम ही खराब हो गया है। तो पुराना रास्ता लिया था हमने, उसका यही फायदा है, पुरानी जो हमारे रास्ते हैं उनका ये फायदा है कि देखिए अभी हमें रास्ते में शिव जी का घराट, कहते हैं कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की चक्की चलती है, मतलब कि घराट चलता है, जब यहाँ पे अंदर जब जाते हैं वहाँ पे पूरी चक्की की पूरे घराट की जो है वो आवाज़ आती है, कान लगाने में तो पूरी आवाज़ आती है। तो आप देख रहे हैं ये है भोले बाबा का घराट, तो ये पुराना रास्ता हमने लिया था इसीलिए हमें ये दिखा, अगर हम नए रास्ते से गए होते तो हम इस पुरानिक जगह से रूबरू नहीं हो पाते। देख रहे हैं भक्तों की उमड़ती हुई भीड़, देखो जी कितना सुंदर बच्चा है, वो गंदी बात भोले बाबा की। महादेव 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 भम भम महादेव महादेव। तो चलते चलते पहुंच गए हम भैरव घाटी के बिल्कुल नज़दीक, और हम ले रहे हैं यहाँ से भी पुराना वाला रास्ता, लोग जो हैं लोग जा रहे हैं कुछ नए रास्ते से कुछ पुराने रास्ते से, मगर हम लेंगे पुराना रास्ता जो कि वहाँ से है, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे पुराना रास्ता। ये रही जी भैरव घाटी का रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से होते हुए अब मेरी उंगली का देखिए आप निशान, ये वाला रास्ता जो है ये है भैरव घाटी का रास्ता, इसमें चढ़ाई है, जो ये वाला रास्ता है ये टेढ़ा मेढ़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे हम जाएंगे भैरव घाटी से, ये थोड़ा डेंजरस भी है रास्ता, और थोड़ा ये जो है हमारे मोहित जी भी यहाँ पे आ पहुँचे हैं झंडा लेके एक बड़ा सा बिल्कुल। तो आप देख रहे हम जाएंगे पुराने रास्ते से, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पुराने रास्ते को ही फॉलो करता हूँ कि वहीं से हमें सब चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं, आगे मिलते हैं। खेल रहा है वीडियो है, तो ये आप देख रहे हैं भैरव घाटी गौ घाटी के दृश्य जो कि बिल्कुल आपके सामने है,
कुछ यात्री देखो ऊपर से जा रहे हैं नए रास्ते से, कुछ यात्री उस नए रास्ते से जा रहे हैं। देखिए पार से आपको दिख रहा होगा, ये है जो रूट हमने पकड़ा है, ये है पुराना चढ़ाना। देख रहे हैं पुराने रूट में कितनी चढ़ाई है, यहाँ से देखिए, ये देखिए इसको कहते हैं खड़ी चढ़ाई जो है। और इस शिला के इस पहाड़ के उस तरफ से वो दरिया चल रहा है जिसको भी रावा चरणों से रावा मुक्त से गंगा, फिर बोलो मनी भेष की जय। तो आओ आपको ऊपर से थोड़ा सा डेंजरस जो पॉइंट है वो भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी उधर से नीचे देखने में आदमी घबरा जाता है, डर लगता है नीचे देखने में। तो ये भैरव घाटी गो घाटी के रूट हमने जो है वो पकड़ा है, ऊपर जाके आपको गौरीकुंड के दर्शन, गौरीकुंड और शिव कुलोत्री के दर्शन करवाऊंगा। और गौरीकुंड के बारे में शिव कुलोत्री के बारे में देख रहे हैं आप कितना डरावना जो है ये डेंजरस पॉइंट है। मैं यहाँ पे कैसे बैठा हूँ वो भी दिखाऊंगा, पहले आप इधर से नीचे देखो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कैसे दुबक के बैठा हुआ हूँ क्योंकि खड़े उठूंगा तो मुझे चक्कर भी आ सकता है। जैसे नीचे का दृश्य इतना डरावना इतना डेंजरस है कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यानी मेरा जितना जोर है उतने ही जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे से पानी देखिए कितनी ठाटे मार रहा है ना। ये देखिए आप दिख रहा होगा, आपको देखिए पानी की कैसे ऊपर के लिए ये तिरंगे जो है वो उठ रही हैं। हम अभी हैं भैरव घाटी में, भैरव घाटी के आप देख रहे हैं दर्शन। आप यहाँ से नीचे आप इमेजिन कर ही पा रहे होंगे मैं कैसे बैठ रहा हूँ यहाँ। अब यहाँ से उतर के निकलूँगा मैं तो अभी आप पहुंचे हैं हम गौरीकुंड में। गौरीकुंड जो है ये गौरी जो गौरजा माता है, गौरा माता उनका कुंड है यहाँ पे। जो महिलाएं हैं लेडीज़ हैं वो यहाँ पे स्नान करती हैं और जो पुरुष हैं जो मेल हैं वो स्नान करते हैं पीछे शिव कुलोत्री में। तो लेडीज़ यहाँ स्नान करती हैं और जेंट्स वहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं मणिमहेश के सरोवर पे। तो आइए आपको जो गौरजा माता की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको लेके चलता हूँ शिव कुलोत्री। और शिव कुलोत्री में नहाने के बाद फिर हम आगे का जो सफ़र है मणिमहेश जो ऊपर डल है वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो देखिए ये है गौरा माता की यहाँ पे प्रतिमाएं, बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो पुजारी हैं पुजारी वो भी लेडीज़ ही हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही जो हैं वो स्नान करती हैं, महिलाएं ही यहाँ पे स्नान करती हैं। तो आप ये दर्शन कर रहे हैं गौरा माता के प्रतिमाओं की। जहाँ पे कि नहाने के लिए हो चुके हैं तैयार, इस तरफ कैमरा पर्सन मेरे द्वारा कैमरा घुमाए। ये जो आपको यहाँ पे ये चट्टान दिख रही है इसके पीछे है जो मणिमहेश पर्वत और उसके सामने है कमल कुंड। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है क्योंकि माइक वगैरह तो हमने सारी भरमौर में छोड़ दी। ये जो चट्टान आपको दिख रही है इसके पीछे है कमल कुंड और कमल कुंड के पीछे है मणिमहेश का पर्वत।
जो ये पानी है शिव कलोत्री का, जो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, ये जो पानी है ये कमल कुंड से ही आता है। फोटो लेना है बड़ा ही ठंडा पानी है, मुझे लगता है कि फ्रिज से भी ज्यादा ठंडा है। तो मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए, वैसे तो ऐसे फेंका थोड़ा थोड़ा सा पानी, आपने देखा ही होगा, बट अच्छा था। और नहाने के बाद ये सरोवर इसीलिए है, इनमें इतनी सारी जड़ी बूटियां मिली होती हैं कि जब आप इस पानी के साथ, सरोवर के साथ जब आप नहाते हो, आपकी जितनी थकान है, जितना आप चल के आए हो, जितना भी आपको थकावट है, सब दूर हो जाती है स्नान के साथ। क्योंकि इस पानी में एक तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है और दूसरे इसमें पूरी जो पहाड़ों की जो बूटियाँ हैं वो सब इसमें है ना। तो चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर की जो सर्विस है वो यहाँ तक है, भरमौर से यहाँ तक की। ये यहाँ पे गोरी कुंड है और यहाँ से ऊपर जाने में भी कम से कम कोई आधा घंटा एक घंटा लग जाता है। जय भोलेनाथ, जय कैलाश। तो 5-6 घंटे के सफर के बाद आ पहुंचे हैं हम कैलाश कुंड पे, और हमारी यात्राएं भी बारी बारी से कैलाश कुंड पर पहुंच चुकी हैं, और कैलाश कुंड मनी महेश में पहुंच चुकी है। तो आइए मनी महेश का जो डल है उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, मनी महेश का जो सरोवर है उसके। देख रहे हैं यात्रा जो है वो सरोवर की परिक्रमा ले रहे हैं, तो वो सरोवर की परिक्रमा ले रहे हैं। मेरी आवाज मुझे नहीं लगता कि आप तक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शोर बड़ी है। कुछ हर हर महादेव, कुछ हर हर शंकर की जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं पूरी मनी महेश की जो घाटी है पूरी उसमें। आप बाकी देखिए सरोवर के भी दर्शन कीजिए, लोग नहा भी रहे हैं, शुभ स्नान कर रहे हैं, और मैं आपको करवाता हूँ पूरे सरोवर की परिक्रमा। बड़ा जम गाता होगा ना, इधर लगा होगा, फिर इधर भी पीछे भी, ठीक है। अभी दर्शन कर रहे हैं महादेव की पिंडियों के, जो कि मनी महेश डल में है, जो मनी महेश का पावन स्थान है, वहां के आप अभी दर्शन कर रहे हैं। मसी।
आप कर रहे हैं अभी मनी मेस की पिंडियों के दर्शन, भगवान भोलेनाथ कोई कर से आप देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों की उमड़ती हुई भीड़। अब सुबह जब जन्माष्टमी है कल सुबह, और कल आपको मनी मेस की पिंडियों के दोबारा से दर्शन करवाता हूँ, और रात को अगर भगवान भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए तो वो भी दर्शन आपको करवाऊंगा। जय भोलेनाथ। अभी भगवान भोलेनाथ जी ने अपने पर्वत पे पूरी जो धुंध होती है उसकी चादर उड़ा दी है। अब उन्हीं की कृपा के साथ इस जो मनी मेस का जो पर्वत है उसके दर्शन होंगे जब भोलेनाथ जी की इच्छा होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लंगर, कितने अच्छे लंगर यहाँ पे लगे हुए हैं, समोसे, लड्डू, आलू टिक्की, सब कुछ यहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये लोग कैसे बुला बुला के ले रहे हैं, इतनी भक्ति कितनी श्रद्धा आप देख रहे हैं। अभी धुंध ने पूरे जो कैलाश पर्वत मनी महेश को धुंध ने पूरी अपने चादर में जो है वो लपेट लिया है, आप देख रहे हैं। आप अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं नवाले का, जैसे कि हमारे भद्रवाह में, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में खड्ढा प्याला दिया जाता है, उसी टाइप में हमारे वहाँ पे चांदी की जो छत्रमाला लगती है और यहाँ पे लगती है फूलमाला बोलते हैं इसको, इस चंबा के इलाके में। ये जो आप महापुरुष देख रहे हैं ये मनी महेश के बड़े चेले हैं, सबसे बड़े चेले, यानी कि गद्दी जो है मनी महेश की, चेले की गद्दी वो इन्हीं के पास है। सौभाग्य की बात है कि जिस टेंट में हम रुके हैं उसी टेंट में यहाँ पे जो नवाले का जो फंक्शन है, नवाले की जो विधि विधान से पूजा जो है वो यहाँ पे की जा रही है विधि विधान से। तो भगवान जी का तो आशीर्वाद ही रहा है हमेशा और आज भी है कि
कितनी सौभाग्य की बात है कि इनके सामने बैठ के मैं ये सब कुछ रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो चुकी है कुछ गा के, कुछ जयकारे भर के और कुछ ठंडे पानी के साथ। बज चुके हैं 10:45 और आप देख रहे हैं मणि के दर्शन मणि महेश पर्वत पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पर्वत है, पर्वत पे ये जो दर्शन है ये आपको हो रहे हैं मणि के दर्शन। ध्यान से आप देखिए, ये पर्वत है, ये कोई आसमान नहीं है, ये पर्वत है। पर्वत पे ये जो मणि है वो मणि वो चमक रही है, रात को आप देख सकते हैं। ये जहां पे वो वाइट स्नो है एक ही जगह पे काफी बड़ी, बस वहीं पे ये जो है वहीं पे है ये। अरे लोग या कुछ प्रश्न उठाने वाले लोग होते हैं जो कहते हैं कि तारे, आपको तारे दिख रहे होंगे, तारों की लाइट दिख रही है आपको, कितनी कितनी से दिख भी नहीं रहे हैं तारे। ये देखिए तारे दिख भी नहीं रहे, और इसकी लाइट देखिए जो ये मणि है इसकी लाइट देखिए कितनी, कितना इसमें तेज है।
हर महादेव, जय भोलेनाथ। सुबह के बज चुके हैं 6 और अपने अपने टंटू से आ चुके हैं बाहर। ठंड उतनी नहीं है, अब जा रहे हैं। आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है, जन्माष्टमी सबको मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे और भगवान भोलेनाथ जी का भी। और अभी जा रहे हैं सरोवर में स्नान करने के लिए, मणिमहेश के सरोवर में। और सामने आपको दिख रहा होगा मणिमहेश का जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, जो कि हर समय धुंध में ही रहता है। अभी भगवान भोलेनाथ दर्शन दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मणिमहेश का पर्वत। और ये है सरोवर जिसमें अभी हम स्नान करेंगे। वो देखिए लोग वहां पे स्नान भी कर रहे हैं। उसके बाद धूप दीप नवेद चढ़ाने के बाद प्रस्थान करेंगे भरमौर की तरफ। तो चलिए चलते हैं सरोवर में नहाने के लिए। जय भोलेनाथ। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सुबह सुबह मणिमहेश सरोवर में किया हमने स्नान। और सामने देखिए महादेव जी भी खुल के दर्शन दे रहे हैं। तो इसके बाद जाएंगे पिंडियों के पास, वहाँ पे पूजा आरती करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे का सफ़र, अब वापसी का सफ़र दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए तो रोट हमने चढ़ा दिया, पूजा भी हो गई। अब आप थोड़े से दर्शन कीजिए पिंडियों के। तो पूरी यात्रा की वीडियो आप सबने देखी, कैसी है, कैसी आपको लगी, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ये वीडियो इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मोहित कोतवाल 56 को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे मोहित कोतवाल 56 पे देख रहे हैं तो इंटरनेशनल भद्रवाही सोसाइटी हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और देखिए आप यहाँ से कितना सुंदर जो है वो व्यू है मणिमहेश का। देखिए सरोवर और पीछे जो है मणिमहेश का जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। मैंने सोचा कि यहाँ से अच्छा व्यू पॉइंट है तो आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? आप पहुँचे मणिमहेश की यात्रा पूरी करके, भरमौर चुरसी मंदिर के सब दर्शन करके पूरा रास्ता चल के अभी आप पहुँचे हम पदरी धार में, अपने भद्रवाह के जो हमारा एरिया है वहाँ पे आप पहुँचे हम पदरी धार में। तो यहाँ पे लंगर लगा हुआ है, हमारे भद्रवाह के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लंगर लगाया हुआ है, धर्मार्थ जो कर रहे हैं। तो आइए थोड़ी सी नज़र डालते हैं लंगर के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी सेवा जो है वो लंगर में बर्तन साफ करने की जो सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा जो है वो वही है। खाना बनाना, खाने के लिए सामान लाना, वो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, किंतु
जो लंगर में जो जूठे बर्तन साफ करने की बात है, सबसे बड़ी सेवा वही है। तो आपके आपके साथ रूबरू करवाता हूँ मैं सर को। वैसे नाम तो मुझे पूरा मालूम नहीं है, मगर सचो भद्रवा रह चुके हैं ये सर, और अभी ये डोडा में पोस्टिंग है, सचो डोडा। हाँ जी सर, नहीं अभी लाइन में, अभी लाइन में है सर। तो भद्रवा में सचो रह चुके हैं, आप देख रहे हैं कितने भक्ति भाव से जो सर है वो बर्तन जो है लंगर के जो यात्रु आ रहे हैं वो खाना खा रहे हैं, और सर जो है वो बर्तन साफ कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम? संजय मन्हास जी इनका नाम है। और सर गाड़ी आ गई थी इसलिए थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो सर कितने दिनों से आपने लंगर लगाया हुआ यहाँ पे? थोड़ा पास में 2016 में शुरू किया था। अच्छा सर, तो अभी तीसरा दिन है हमारा अभी। अच्छा, मतलब कि अभी इस साल में आपका तीसरा दिन है लंगर। हाँ। का अभी कितने दिन चलेगा या आज फाइनल? अभी यात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा, हम देखते हैं कि कल कितनी यात्रा आएगी, उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि पिछले कितने यात्रा हुए। जी 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 जी, वो कल भी अगर यानी कि यात्रा को देख के आपका लंगर 8 दिन 10 दिन 15 दिन भी चल सकता है। अगर यात्रा कंटिन्यू है तो चल भी सकता है, अगर यात्रा कम हो तो फिर हम बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल कल का तो हमारा फिक्स है, कल चलेगा। कल यात्रु जो आएंगे उनसे हम पास पूछेंगे, तो पास में आवाज़ जो हमें फीडबैक मिलेगी तो उसी हिसाब से हम आगे मतलब अपना लंगर कंटिन्यू रखना है। तो लंगर का नाम सर, अपने लंगर का नाम आप अगर शेयर करें? मणिमेश यात्रा लंगर पनशे कलाड़। तो आपका कुछ जो अकाउंट आपका कुछ है अगर आप? नहीं, एक्चुअली अकाउंट अभी हमने नहीं किया, क्योंकि हमें 16 में शुरू किया, 2 साल चलता रहा, तो उसके बाद 1920-21 में जो कोरोना रहा, तो कोरोना की वजह से हमारा जो लंगर है वो नहीं चल पाया। तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, तो वो बात हुई है, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी हमारी। तो उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होगी तब उसी लंगर का जो नाम होगा उसी के नाम पर एक अकाउंट खोलेंगे, और उसके लिए हमारी कमेटी बनी हुई है, हमारे कैशियर हैं सुजीत सिंह जी, जो मतलब सब क्या क्या खर्चा होता, कितना कमेटी का कितना आता, गुप्त दान कितना था, लोग कितना दान करते हैं, वो सब कुछ उनके पास बात पड़ा रहता है। तो इस साल हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और भोले ने चाहा तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जाएँ और हमें सेवा का मौका। आपने अभी बात की श्री संजय मन्हास जी से, इस लंगर के जो है प्रधान हैं ये, और बहुत बड़ी हस्ती हैं सचो भद्रवा, और अभी लाइन में सर की पोस्टिंग है। आप देख रहे हैं कि कितनी शिद्दत के साथ, कितने भक्ति पूर्वक सर जो हैं वो जो यात्री हैं उनके बर्तन साफ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको लंगर की तरफ ले जाता हूँ, तो आप आइए हमारे साथ। ये हमारे भद्रवा की आन और शान, हमारे भद्रवा का लंगर यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे मटर पनीर और दाल मखनी और चावल, और क्या सर, और क्या आपने यहाँ पे विक्स वेजिटेबल और बूर का खट्टा, जो हमारे भद्रवा में बड़ा मशहूर है बूर का खट्टा, मटर पनीर की सब्जी और दाल मखनी और चाय चावल, और यहाँ पे हमारे जो इन्होंने जो है वो पूरा स्टॉल का सिस्टम, खट्टा दाल पनीर सब्जी सब कुछ आपको लंगर चुराला और भद्रवा का ये जो लंगर है पंछी कैलाड़ का जो ये लंगर है ये यहाँ पे लगा हुआ है पदरी धार में, जो पदरी हमारी जहाँ पे की हमारी एक बैटल भी हुई थी भद्रवा और चंबा वालों के साथ, उसी धार में ये जो लंगर है वो लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कितने भक्ति भाव से इस लंगर को जो है वो ये लोग सब चला रहे हैं। बस यही कामना करता हूँ कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यहाँ के सब लोग हैं, वो इन सब का साथ दें और लंगर में इनकी हेल्प करें, लोग आए खाना बनाएं, सब काम करें और अच्छे से लंगर जो है वो चले, हमारे भद्रवा का जो नाम है वो
उच्च स्तर पर जाए। तो ये इस पूरे जो आपने पूरी मनीमेज की वीडियो देखी, ये सबसे लास्ट वीडियो है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अब मैं भी खा रहा हूँ लंगर। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।